हंसी अच्छी है आपकी। देखो देखो लड़कियों देखो, पसंद आए तो बाहर हाथ में हाथ डाल करके निकल लो इनके साथ में, ठीक है। अगर कोई बाहर आकर के लड़की आपको प्रपोज करे तो हाँ है ना है? दूर से नमस्ते। क्या बात बोली है, माइक देना एक बार, ये माइक पे बोलने लायक डायलॉग है, पीछे सुना नहीं है बहुत सारे लोगों ने। हाँ एक बार माइक पे बोल जाओ आप इस बात को। सर लाइफ में सर गोल अचीवमेंट चाहिए ना कि गर्ल्स अचीवमेंट चाहिए? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। सर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जब सामने वाले को हम देखते हैं जो मतलब हमें चाहे हम कितने भी उससे बेटर हो पर फिर भी हमें लगता है कि हम उससे कम है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की फीलिंग से हम आगे कैसे बढ़े? आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीजों में आप किसी से कम हो कुछ चीजों में ज्यादा हो, जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीजों में आप कम हो उसकी तरफ तो आप परेशान हो गए, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहां पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को ही छोड़ दो, यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। एक ऐसा कोट है जो मैंने सुना था जब आप लोगों की एज में मैं था, जिसका मेरी लाइफ के ऊपर बहुत तगड़ा असर हुआ था। उस एक कोटेशन ने मेरी थिंकिंग को एक अलग डायरेक्शन दी थी। दैट वॉज लिव योर लाइफ टूडे एज मोस्ट पीपल वोंट सो दैट यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज मोस्ट पीपल कांट। दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही होती है, हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम भी पूरी दुनिया की तरह भेड़ बकरियों की तरह भागें तो हमारे साथ भी वही होगा जो उनके साथ होने वाला है, यानी आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद कहीं पर ऐसे ही पड़े हुए होंगे जिंदगी को काट रहे होंगे, या फिर उस टाइम पे हम कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा है। इट कुड बी एनीथिंग, वो आपको देखना है आप क्या करोगे। तो अगर कुछ भी ऐसा किया और अपना पूरा फोकस गोल पे डाल दिया तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ ऐसी होगी जो बाकी के जो लोग एक डायरेक्शन में भाग रहे थे वो अगर चाहेंगे भी तो वैसी लाइफ जी नहीं सकते, वहां तक सोच भी नहीं सकते, जीना तो बहुत दूर की बात है। सर सक्सेस हार्ड वर्क करके मिलती है, स्मार्ट वर्क करके? स्मार्ट वर्क करके। कैसे? तो डिफरेंस क्या हुआ? स्मार्ट वर्क इंक्लूड्स हार्ड वर्क, कहां पर हार्ड वर्क करना है कहां पर नहीं करना है ये स्मार्ट वर्क का पार्ट है। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, अगर होता तो रिक्शे वाले सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। मुझे ये पूछना था, कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मतलब मेरा अकाउंट्स का पेपर था और मैं एकदम से पहला दिन मैंने वेस्ट कर दिया कि ये ऐसे ऐसे करूँगी, पूरा स्केड्यूल बना लिया कि ये करूँगी पर कुछ नहीं हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद ये मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ कुछ टाइम बैठी, फिर उसके बाद आई, सब कुछ हो गया। अब ये है कि अगर उस समय पे मैं ये पास में गुरुद्वारा नहीं होता सपोज और मैं नहीं गई होती, नहीं तो फिर उस समय क्या होता? घर में है ना, एक मिनट चुप रहो। आपके देखो गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो पीसफुल हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप कनेक्ट करते हो गुरुद्वारे से। हो सकता है कोई और मस्जिद से करता है, कोई और मंदिर से करता है, तो जहां पर भी जा करके आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। बहुत सारे लोग मेरा सेशन इसीलिए देखते हैं, मुझे कई लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि सर जब रात को नींद नहीं आती ना आपकी वीडियो लगा लेते हैं, तो नींद आ जाती। मैंने कहा मेरी वीडियो सोने के लिए देखते हो, इसलिए बनाता हूँ, मतलब मैं लोरी सुना रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। अलग अलग तरह से लोग वीडियोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर जब आप जाते हो तो माइंड आपका बिल्कुल पीसफुल हो जाता है। जब माइंड पीसफुल हो जाता है तो दैट इज़ द बेस्ट स्टेट टू बी इन, उससे बढ़िया और कोई स्टेट नहीं है, क्योंकि उसके बाद खुद ही आपको अंदर से समझ आने लग जाता है कि मेरे सही क्या है गलत क्या है, और आप लाइफ में सही ट्रैक पर आगे बढ़ने लग जाते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें आपकी जरूरत क्यों पड़ती है? आपने यहाँ पे अभी 3 questions की सर आपने अभी यहाँ पे 3 questions के आंसर दिए और अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दोगे, तो हमारा माइंड इतना क्लियर क्यों नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर खुद निकाल सकें? आप अगर कहीं पर जा रहे हो जहाँ के रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पर डेंजर है, ये सही रास्ता है ये गलत रास्ता है, जैसे कहीं पर जंगल में हो आप भटके हुए हो और आपको नहीं पता है, तो कोई बंदा जो उस रास्ते पे चल चुका है अगर उससे आप पूछ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसको बेवकूफ़ी नहीं कहेंगे, इसको इंटेलिजेंस कहेंगे। क्योंकि दो तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो खुद गलती करते हैं और उससे सीखते हैं, दूसरे वो जो दूसरों की गलती से सीख लेते हैं, वो समझदार है।
क्योंकि वो उस काम को एक साल में कर सकते हैं जो हो सकता है सामने वाले को करने में 20 साल लगे। तो आप एक साल में वो कर सकते हो, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 10 साल में वो कर सकते हो जो मुझे करने में 20 साल लगे। मैंने बहुत कर लिया ना। सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस क्या है सक्सेसफुल होने में? जो आप करना चाहते हो अगर वही करते हो तो उसका मतलब क्या है कि यू आर इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग। सो लव को डोंट इमेजिन कि भाई कि कुछ सेल्फ लव है तो मतलब बैठ करके अपनी स्किन को ऐसे टच करो क्या बंदा है कितना प्यारा है, अरे अरे तो शीशे में देख रहे हो निहार रहे हो, दैट इज नॉट सेल्फ लव, दैट इज फुलिशनेस। तो वॉट इज सेल्फ लव? इफ यू आर डूइंग समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट तो यू आर इन लव विद वॉट यू आर डूइंग, इफ यू आर इन लव विद वॉट यू आर डूइंग यू आर बाउंड टू सक्सीड। हमारे पेरेंट्स आर आर वेल विशर्स, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, बट आप ये भी कहते हो हमारी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है हमारे लिए, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स उस लर्निंग फेज से जा चुके हैं जिससे हम अभी जा रहे हैं, तो हम क्या करें जो हमारी गट फीलिंग कह रही है या जो पेरेंट्स कह रहे हैं? पेरेंट्स आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। आपकी गट फीलिंग गलत भी हो सकती है, जैसे गट फीलिंग में आप ये भी कह सकते हो मेरी गट फील कह रही है कि आज तो मुझे गांजा लेना ही है, आज तो मैं 300 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊं, मेरी गट फील कह रही है। तो यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो गट फील को कनेक्ट करो पहले सही से, तो आपको पता है कि ये मेरी गट फील है और ये सही है। तो अगर आप सही सोच करके अपनी गट फील के बेस पे एक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में और आउटकम गलत भी आता है तब भी वो सही है, क्योंकि एटलीस्ट आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली, बजाय ये कि किसी और के हिसाब से, फिर वो और चाहे कोई भी हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे दुनिया हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, वो आपको बताता जा रहा है और आप आगे चलते चले जा रहे हो, तो आप एक कठपुतली बन जाओगे। सो डोंट बी अ पपेट इन योर लाइफ, बी अ ह्यूमन बीइंग हु हैज गॉट द करेज टू एक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द आउटकम इज। तब आप लाइफ में एक ऐसा दिन आ सकता है जब पूरी तरह से अपनी जो लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्लेम गेम खेलते रहोगे मरते दम तक, क्या आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे बाप की वजह से हो रहा है, मेरी माँ की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। मेरा सवाल है कि जैसे कि हम कितने भी अच्छे हो लेकिन जो हमारा गुस्सा होता है ना वो हमारी सारी अच्छाई, जैसे आप कहते हैं, तेल लेने चली जाती है, अगर गुस्सा आ जाता है तो हमारी सारी अच्छाई एकदम बेकार हो जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा है? टीन अपना फोन फेंक देते हैं, मम्मी पापा पे गुस्सा करते हैं, आपको तो पता ही है, मुझे तो पता ही है, मतलब मेरे बच्चे भी मेरे पे करते हैं। तो ये अगर उसको सॉल्यूशन दे सकते सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, अरे मैं हूं सर। गुस्सा क्या है? बेसिकली एनर्जी है। हमारे पास में दो ऑप्शंस है, या तो चाहे तो गुस्से के थ्रू उसको एक्सप्रेस करें, या फिर उस पूरी एनर्जी को जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स हैं, उसको पूरा करने में लगा दें। दिस चॉइस इज एंटायरली योर्स। गुस्सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे भी कई सेशंस में आपको एग्रेशन नजर आएगा। सो दैट एग्रेशन इज देयर इन एवरीबडी, दैट एग्रेशन इज नॉट बैड, दैट एग्रेशन इज एनर्जी। तो एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है कि थ्रू एंगर, या फिर है अपना जो भी आप काम कर रहे हो वहां पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी आपने। थैंक यू सर। हमारी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, एंड हम कुछ फेलियर्स होते हैं उनसे हम डील कर सकते हैं, बट बहुत सारे फेलियर्स होते हैं जिनसे हम डील नहीं कर सकते, और उस जगह उस टाइम पर हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस टाइम पर हमें कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में, चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आप डील नहीं कर सकते। पहले तो जो आपने गलत कहा उसको ठीक करो अपने माइंड में, क्योंकि जैसा हम खुद को बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लग जाता है। तो अगर बोलना ही अपने आप को ये बोलो कि अरे फेलियर क्या होता है, कोई भी फेलियर हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में, मैं उसे डील कर सकती हूँ, इतना ही बोलना काफ़ी है। यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलने लग जाएगी कुछ भी लाइफ में हो रहा है उससे डील करने की, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि हम डील नहीं कर सकते तो उसके बाद में बाहर से चाहे कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरे जितने मर्जी सेशंस देख लो सब कचरा है,
सब बकवास है, बाहर से कोई भी आकर कुछ भी बोलता रहे सब बेकार है। मेरे सेशंस पता है कब काम के हैं आप लोगों के लिए? जब आप यहाँ पर आए हो, बैठे हो और अपने आप के अंदर ये बोल रहे हो कि हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ और मैं बदल के रहूँगा। अब मुझे सुन रहे हो तो फायदा है, बट अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरी तो जो प्रॉब्लम्स है मैं उसमें ये नहीं कर सकता, सब बकवास है, टाइम पास है। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले? प्रैक्टिस करते रहो, उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव नहीं होती हैं, प्रैक्टिस। सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरा पहला सेशन देखा है? Yes, इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। Yes, तो इसका मतलब क्या था? मैं सही नहीं कर रहा था। Yes, तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था, मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ। अरे दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया। 5 मिनट के लिए और चलेगा ये सेशन। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस करते रहे अपनी जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करने की, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की, अपनी सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने की, कहीं किसी बुक में पढ़ा, फिर उसमें जो पढ़ा उसको अप्लाई किया, फिर कुछ गलतियां करी, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहे तो आज नहीं तो कल कमाल के कम्युनिकेटर बन जाओगे। थैंक यू सर। सर मैं 10th की स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सर मैं काफ़ी बार उसमें फेल हुआ, बट सर एक मोटिवेशन थी जो आप देते रहे, लेकिन सर तब भी अगर आज मैं आपका सेशन देख लूँ जब तक मैं घर जाऊँ या फिर से मैं फेल हो जाऊँ तो डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो सर असल में रियल मोटिवेशन है क्या? देखो जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है ना, यस और नो? तो मेरे पास में कोई संदीप महेश्वरी था? नहीं था। तो जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है, मेरे जैसे लाख बंदे भी आकर के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो नहीं करेगा। साफ कहना, सुखी रहना। हेलो सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, सर वो हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम उसको समझा नहीं पा रहे कि जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, तो सर इसका आंसर क्या है? कौन है वो लड़की? ऐसा कभी कभार हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है और सर फ्रेंड्स के साथ भी होता है। हाँ सर, उसको कैसे समझाए और वो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए? तो उसको क्लियर करने का, हो सकता है वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपको फेस टू फेस देखना भी नहीं चाहता है या चाहती है, अब क्या करें? लिख दो, कबूतर जा जा जा, लिख करके कबूतर के पैर में अटका दो, जा करके फड़फड़ाता हुआ जाएगा वहाँ पे, दे देगा। मेल पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, अब तो बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास में। बट फिर भी अगर सामने वाला जो पर्सन है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में तो जस्ट लेट इट गो, क्योंकि अगर उस लाइन को आप क्रॉस करते हो तो अब आप उसको पर्सन को तंग कर रहे हो। ये मैं इनके थ्रू बोल रहा हूँ लेकिन सारे लड़कों को बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं भुगत चुका हूँ। अब आप कहोगे मैं कैसे भुगत चुका हूँ, समझाऊंगा। हाँ सुनो, मैं कैसे भुगत चुका हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सो कॉल्ड फैंस अपने आप को बोलते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो क्या करते हैं, जैसे मेरा ऑफिस है, मैं कभी ऑफिस में जाऊँ पीछे पीछे भाग रहे हैं कि सर ये सर वो सर वो, मैं उनको कह रहा हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, फिर भी सर 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 सर। उस दिन मैंने रियलाइज किया कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब ऐसे फुकरे पीछे भागते हैं। आता नहीं गुस्सा, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितनी लड़कियाँ एग्री करती हैं मेरी इस बात से, सब एग्री करती हैं। तो ये मैसेज है सब लड़कों के लिए, इफ दी अदर पर्सन सेज नो तो जस्ट टेक इट फॉर नो एंड जस्ट स्टे, अगर उसके बाद भी वो इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में तो वो खुद आएगी। तो रिस्पेक्ट दी अदर पर्सन प्राइवेसी एंड द राइट टू से नो। सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना डिफरेंट बनाती है? सर की बॉडी। बॉडी नहीं सर की बॉडी। मुझे डिफरेंट ये बनाता है कि मैं लाइफ में कहीं पर भी अटकता नहीं हूं,
लोग होते हैं वो अटक जाते हैं, जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता है तो अटक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाती है उनकी लाइफ, जो चाहते हैं वो नहीं मिलता तब भी अटक जाते हैं, बैठ करके रोने लग जाते हैं। मैं जो चाहता हूँ वो चाहे मुझे मिले चाहे ना मिले, नहीं मिलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां से मैं सीख लेता हूँ, और मिल जाता है तो उसको मैं उठा करके कचरे के डब्बे में डाल के आगे बढ़ जाता हूँ। तो आई कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, जैसे एक पेड़ है वो बढ़ता रहता है, जैसे ये नेचर है, ये यूनिवर्स है, तो मैं एक रुका हुआ पानी नहीं हूं। जैसे किसी बॉटल में कोई रुका हुआ पानी है, चाहे वो सोने की बॉटल है चाहे वो कोई नाली है, कहीं पर भी रुक गया है पानी जाकर के, मैं एक बहती हुई नदी के जैसा हूं। यही मुझे अलग बनाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।